नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी है, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। दोस्तों, आज जो उपाय मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, इस उपाय को यदि आप बुधवार बुधवार करना शुरू कर दें, कुछ ही बुधवार आपको करना है, आपके नौकरी धंधे बड़ी तेजी से चलेंगे, घर में आवक के जो स्तोत्र हैं वो बढ़ने लग जाएंगे। आप कोई भी काम, आप देखना, यदि आपका भाग्य बल मजबूत नहीं है दोस्तों, तो कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत, मेरा खुद ऐसे लोगों को देखा है दोस्तों, बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनको रिजल्ट उतना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। मतलब कुदरत प्रकृति उसको अंडर एस्टिमेट करती है। कुछ लोग जिनके भाग्य बल मजबूत है, थोड़ी सी मेहनत करेंगे और रिजल्ट बहुत अच्छे आ जाएंगे। आपने देखा होगा कई जगह जो कंपटीशन होते हैं, लाइव शो में भी आपने देखा होगा, आप कुछ कोई एक ऐसे कंपटीटर आते हैं कि आप खुद कहते होंगे कि नहीं, अवार्ड तो इस कंपटीटर को ही मिलना चाहिए, लेकिन मिल किसी और को जाता है, भले ही वो कम मेहनत कर रहा है या कम काबिल है, लेकिन मिलेगा उसको। तो ऐसा तब होता है जब व्यक्ति मजबूत उपाय करके आया होता है, कोई ना कोई अदृश्य शक्ति उसकी मदद कर रही होती है, तब आप कम मेहनत में ज्यादा आपको रिजल्ट मिलता है, अच्छा रिजल्ट मिलता है। कम मेहनत में भी आप एक सफल जीवन जीने में सक्षम होते हैं। यह उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ, इसको आप बुधवार के दिन करें। बुधवार के दिन करने से आपके जो आवक के स्त्रोत्र है वो बढ़ेंगे, नौकरी धंधे आपके बहुत अच्छे से चलेंगे। यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति नशेड़ी है, गंजेड़ी है, गलत आदतों पर चढ़ा हुआ है, कोई भी गलत लोगों के साथ में उठने बैठने लगा है, कुसंग में फंसता चला जा रहा है, चोरी चमारी कर रहा है, गलत काम कर रहा है, आप इस उपाय को करना शुरू कर दें। उस व्यक्ति के ऊपर इसकी जबरदस्त इफेक्ट होगी। तमाम गंदी आदतों को छोड़ करके अच्छे लोगों का साथ करेगा। अच्छे लोगों का साथ दोस्तों आपको पूजनीय बना देता है। गंदे लोगों का साथ आपके जीवन को एक हेटफुल लाइफ, जिसको लोग दुत्कारते हैं, धिक्कार देते हैं, ऐसी जिंदगी आपको प्रदान कर देता है। तो इस उपाय से आप अच्छे लोगों का साथ करेंगे, संगत करो महान की, जो करत धरत बन जाए, तो सिर पर चढ़े गणेश के और सम्मुख गंग नहाए। हमेशा अच्छे लोगों की संगत करें, अच्छी किताबों का वाचन करें। जब आप किसी अच्छी किताब का वाचन करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो उतनी देर के लिए आप उसी महापुरुष के साथ होते हैं जिसने उस किताब को लिखा होता है। आप स्वामी विवेकानंद की जीवनी पढ़ें, आप जितनी देर पढ़ेंगे उतनी देर आप स्वामी विवेकानंद के साथ होंगे। जो भी आपके लाइफ में आदर्श पुरुष है, आदर्श महिला है, आप उसकी किताबें पढ़ें, उतनी देर के लिए आप उसके विचारों में खो जाएंगे, है ना। बिल्कुल इसी तरह आप किसी गंदे इंसान के पास कुछ देर के लिए भी बैठ जाएंगे तो दोस्तों आप उसके भी विचारों में खो जाते हैं, आप गलत काम करना शुरू कर देते हैं। आप कोई गंदी फिल्म देख रहे हैं, आप उतनी देर के लिए एक नरकमय जीवन जी रहे होते हैं। आप अपनी आत्मा को, आपके मन की शक्तियों को गलत रास्ते पर आगे जाने देते हैं, जो आपके लिए बहुत ही खराब साबित होती है, आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके परिवार के लिए। ये उपाय दोस्तों आपको अच्छी संगत देगा। अच्छी संगत जीवन को निखार ले जाती है, बड़ी बड़ी मुसीबतों से भी बचा करके ले जाती है, है ना। इस उपाय को दोस्तों आप चाहे तो सुबह से भी कर सकते हैं। जैसे सुबह आप सो करके उठे, घर में जब सब साफ सफाई हो जाए, उसके बाद में थोड़ा सा जीरा आप अपने घर में बिखेर दें, जमीन में बिखेर दें और उसको पड़ा दें। यही उपाय आप रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। जब आप सोने के लिए जाते हैं, उसके पहले जरा सा जीरा जमीन पर बिखेर दें, पूरी रात पड़ा रहने दें। दूसरे दिन चाहे आपने दिन में बिखेरा है या आपने रात को बिखेर दिया है, दूसरे दिन आपको उसको उठा करके साफ करके बाहर फेंक देना है, या फिर घर के बाहर आपको उसको रख करके जला देना है, ठीक है। रात को इस तरीके से जीरा बिखेरने से या दिन में घर में जीरा बिखेर देने से दोस्तों
जो भी तकलीफें व्यक्ति बर्बाद होता है राहु से, यदि वो जुड़ा है राहु के जो गलत लक्षण हैं वही आपको पकड़ लेते हैं, तब आप कुसंगत में पड़ते हैं, नशा तोड़ी करते हैं, गलत लोगों की आप संगत में होते हैं, अच्छे निर्णय नहीं ले पाते हैं, आपका फ्यूचर बर्बाद कर रहे होते हैं। उसी जगह यदि आप अच्छे व्यक्ति की संगत में पड़ जाते हैं तो आपका सब कुछ अच्छा होने लगता है। तो जो भी गलत आदतें हैं ये राहु से आती हैं। जब आप जीरा जमीन पर बिखेरेंगे तो राहु आपके शांत होंगे, आपको अच्छी संगत देंगे, ठीक है। दूसरा, बुधवार के दिन यदि आप किसी काम से घर से बाहर निकल रहे हैं या सामान्यतः भी आप स्कूल में जा रहे हैं, आपकी कोई एग्जाम है, आपकी कोई स्पेशल मीटिंग है और बुधवार का दिन है, आप अपने जेब में एक चुटकी जीरा जरूर रखें, उसकी पुड़िया बना लें और उसको अपनी जेब में रखें। तीसरा, जब आप घर से निकलते हैं, निकलने से पहले जरा सा जीरा अपने जीभ के अग्रभाग से ले और उसको अपने दांतों के नीचे दबा लें। दोस्तों, आपने सोचा नहीं होगा ऐसी आपको सफलता मिलेगी। मैंने खुद एक स्टूडेंट मेरे पास आया, उसने उसका उस सब्जेक्ट में कोई तैयारी नहीं की, स्कूल ही नहीं जाता था, जीरा वाला ये उपाय किया, उस पेपर में उसके 80 नंबर आए, 80 नंबर। ये उपाय दोस्तों चमत्कारी रिजल्ट लेकर के आते हैं। कोई भी मीटिंग में आप जा रहे हैं, कोई भी जरूरी काम से, शादी ब्याह की बात करने जा रहे हैं, नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, कोई भी जरूरी काम से भी आप जा रहे हैं, यदि बुधवार का दिन है जीरा खा करके निकले, आपने सोचा नहीं होगा ऐसी सफलता आपको नसीब होगी। बुधवार के दिन जब आप खाना पकाते हैं, कोई भी एक ऐसा भोजन जरूर बनाए जिसमें आप जीरे का छौंक लगाएं। घर में बुधवार के दिन जीरे का छौंक लगना भी दोस्तों आपकी किस्मत को चमकाता है। बुधवार के दिन स्पेशल आप मठा मतलब छास या दही लें और उसमें काला नमक और जीरा पिसा हुआ ऐड करें और उसको मिला करके पीना शुरू करें। आवक के स्रोत जबरदस्त रूप से बढ़ेंगे, जबरदस्त रूप से बढ़ेंगे। तो आज के दिन जीरा का जितना ज्यादा आप यूज करेंगे, क्योंकि यूज तो दोस्तों हजार हुए, एक 5 मिनट की या 10 मिनट की वीडियो के अंदर सब कुछ बता देना संभव नहीं होता है, इसलिए समय समय पर मैं वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। आज की वीडियो में यहीं पर विराम लूंगी कि जीरे का बुधवार के दिन जरूर यूज करें। और ये बुधवार भी दोस्तों, इसमें तो 22 तारीख है, मतलब 4 का अंक है, और 4 का अंक जब भी पड़ता हो और बुधवार हो, जीरे का आप जो भी मैं उपाय बताता हूँ करके देखें, वो उपाय आपकी जिंदगी को बदल जरूर। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही है तो कमेंट बॉक्स में करके पूछे अवश्य, और कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर का दोस्तों गलती से भी कॉन्टेक्ट ना करें। जय श्री कृष्ण।